सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने कल देखा था कि मुरादनगर से लेकर और मोदी नगर साउथ के बीच का बायोडक्ट कितना कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को जो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोदी नगर साउथ से लेकर और मेरठ साउथ का स्टेशन दिखाएंगे दोस्तों, और साथ साथ में ही आप सभी को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को किस तरीके से ये रैपिड रेल क्रॉस कर रही है। दोस्तों, वहां पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये बीच के सारे डिवाइडर बना लिए जा चुके हैं दोस्तों, बीच बीच में अभी रह गए हैं वो भी बना लिए जाएंगे, लेकिन अब इसमें जो ऊपर का बरसात का पानी जो ट्रैक पर से नीचे आएगा दोस्तों, उसमें बीच में गड्ढे कर रहे हैं। गड्ढे करने के बाद में फिर मिट्टी डालेंगे इस बीच के डिवाइडर में, और मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों प्लांटेशन कर दिया जाएगा। और ऊपर आपको लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी पूरे रूट पर दोस्तों मुरादनगर से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन के बीच में दोस्तों ट्रैक बिछाया जा रहा है। और इसको आपको बता दूं कि इसमें साइड में जो रेलिंग है वो भी लगा दी जा चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग गए हैं, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिया जा चुका है लो दोस्तों, लेकिन ओवरहेड वायरिंग का काम अभी नहीं हुआ है, वो भी जल्द कर लिया जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक को बनाया जा रहा है दोस्तों। जो बायोडक्ट है आपको बता दूं कि 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, दिल्ली के सरायकाले खां यानी कि निजामुद्दीन से ये स्टार्ट होता है और ये अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलडेर, दोहाई होते हुए ये मुरादनगर होते हुए मोदी नगर और मेरठ के ये एंड में जाके ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दो, जिसमें से 82 किलोमीटर के रूट में से दोस्तों 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है, जिसमें से 6 किलोमीटर का रूट दोस्तों दिल्ली के अंदर आता है और 6 किलोमीटर का रूट उत्तर प्रदेश के मेरठ में आता है दोस्तों, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो मेरठ के अंदर दो स्टेशन है अंडरग्राउंड, और दिल्ली के अंदर एक है जो कि है आनंद विहार के अंदर दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, हम चलते हुए चल रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो इस 82 किलोमीटर रूट को 30,274 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसकी डेडलाइन सन 2025 की दी हुई है, लेकिन ये 24 के एंड तक ये फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये, और उससे पहले ही ये रैपिड रेल चला दी जाएगी। और आपको बता दूँ दोस्तों कि सितंबर में ये प्रायोरिटी सेक्शन खोला जाएगा, तो सितंबर के लास्ट में या एंड में इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा दोस्तों, मुहूर्त किया जाएगा श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका मुहूर्त किया जाएगा दोस्तों, जो कि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर के पार्ट में पहली बार रैपिड रेल आम जनता के लिए खोल दी जाएगी दोस्तों। अभी ट्रायल रन चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों, और आपको बता दूं कि जो दुहाई डिपो है उसके आसपास में 500 एकड़ ज़मीन में बहुत अच्छी सोसाइटी और फैक्ट्री एरिया बनाया जाएगा आने वाले टाइम में दोस्तों, तो उसका भी आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा KP संत के चैनल पर दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इस लाइन को बनाया गया है दोस्तों, पहली बार हमारे भारत का ये रैपिड रेल चलाई जानी है, जो कि पहली बार भारत में दौड़ेगी दोस्तों 180 किलोमीटर की रफ्तार से दोस्तों, जिसमें से 160 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। आपको बता दूं कि मेरठ से दिल्ली जाने में सिर्फ 45 मिनट का ही वक्त लगेगा दोस्तों, और अभी आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में अभी लगते हैं 203 घंटे। तो इसके रूट के बन जाने से, रैपिड रेल चल जाने से दोस्तों मेरठ वासियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का आने वाला टाइम होने आगे वाला आप सभी है को देखने के लिए मिलेगा कि मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन आने वाला है, उस पर क्या कुछ वर्क किया जा रहा है वो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए ना देर करते हुए आपको दिखाते हैं कि मोदी नगर नॉर्थ का जो स्टेशन है RRTS का, उस पर क्या कुछ वर्क किया जा रहा है, क्या कंप्लीट होने वाला है, वो सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी दोस्तों। तो देख सकते हो अभी इस पे कौन कौन सा लेवल बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस पे जो रूफ़ टॉप का काम है दोस्तों वो भी किया जाएगा, क्योंकि रूफ़ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो अब लगाना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फ्लोरिंग व्लोरिंग सब हो चुका है और कौन कौन सा लेवल बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। देख लो इसमें ये जालियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि इस पर पेंट चल रहा है और इस पर एक्सीलेटर भी लगाए जा रहे हैं, और इस पर जो स्टेयर हैं उस पर पत्थर लगाया जाना है। तो यही अभी वर्क चल रहा है मोदी नगर नॉर्थ के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और इसे क्रॉस करते हुए सीधे हम चलेंगे मेरठ साउथ के स्टेशन को देखेंगे चल के, और आपको बताएंगे के उस पर क्या कुछ वर्क चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये चटाई पटाई बनाई जाती है, और आपको बता दूं कि दोस्तों देखो आप लोग पीछे बैक करके दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से ये बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग। ये जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है, जो कि खंभे हैं वो लगाए जाएंगे अब स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद में रूफ टॉप बनाया जाएगा दोस्तों। तो अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर तो अभी रूफ़ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है दोस्तों, फिर उस पर रूफ टॉप लगा दिया जाएगा। तो इन स्टेशनों पर कुछ अलग तरीके से रूफ टॉप बनाया जा रहा है, और आपको बता दूं कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलडहर और दोहाई RRTS स्टेशन, इन पर कुछ रूफ टॉप अलग ही टाइप का है और इधर कुछ अलग टाइप का होने वाला है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये मोदी नगर का नाला है। तो आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड पर ये कर्व ले लेता है, और इसमें स्टील के गाटर लगाए गए हैं दोस्तों। देखो ये स्टील के गाटर लगाए गए हैं चार, दो इस साइड में, दो उस साइड में। देखो ये स्टील के गाटर हैं, बीच में ये नाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कर्व ले लेता है। कर्व लेने के बाद में फिर ये बीच में ही बायोडक्ट आ जाता है दोस्तों। ऐसे ही एक नाला और आएगा, मतलब छोटी सी कैनाल है, उस पर भी ये उसमें ये राइट में जा रहा है दोस्तों, वो लेफ्ट में नहीं जा रहा है, इसमें लेफ्ट में जा रहा था, उस साइड में ये राइट में जा रहा है। तो दिखाते हैं चल के आगे, बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों। और आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये तिकोने पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है, यानी कि ये लेफ्ट में घूम रहा है, इस वजह से ये कर्व ले लेता है, इसलिए ये तिकोने पिलर बनाए गए हैं दोस्तों। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ये छोटी सी कैनाल को ये क्रॉस कर रहा है, बायोडक्ट किस तरीके से कर रहा है, वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों के बाद में मैंने आप लोगों को इस रूट का अपडेट दिया है दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं दे नहीं पा रहा था। तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे अभी इस साइड में नहीं लगे हैं, क्योंकि ये बीच का पार्ट बचा हुआ है, और इधर भी अब लगाए जाएंगे दोस्तों। और उससे पहले इसमें ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं, फिर ट्रैक बिछाया जाएगा, फिर इस पर रेलिंग लगाई जाएगी, रेलिंग लग जाने के बाद में फिर काम किया जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग कहिए कब कर्व लेना, इसने स्टार्ट कर लिया कर्व ले लेता है लेफ्ट हैंड पे, और देख सकते हो इलेक्ट्रिक सिटी के अभी खंभे नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि खंभे लगाए जा रहे हैं, पीछे बर्क चल रहा है और आगे भी लग चुके हैं दोस्तों। तो उससे पहले आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये डबल पिलर के साथ में ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है, और फिर इसमें स्टील के गाटर द्वारा इसको बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया गया है दोस्तों। तो आप लोग बताना, अभी तो हम मोदी नगर के ही अंदर ही चल रहे हैं दोस्तों।
और जैसे जैसे मोदी नगर देखो यहाँ तक ये खंभे लगा दिए जा चुके हैं, देखो ये खंभे लग गए हैं ना, इन पर अभी ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगा है, कुछ पे लग गया और कुछ पे लगना बाकी है। अभी देख सकते हो इधर भी काम कंप्लीट हो गया, वो बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, और देख सकते हो यहाँ का पूरे में ही डिवाइडर बना दिया है, जो कि मिट्टी डाल रहे हैं इस डिवाइडर के बीच में दोस्तों, और मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर प्लांटेशन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग उससे पहले देख सकते हो कि यहाँ पर ये डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को, क्योंकि ये छोटी सी कैनाल है दोस्तों, और कैनाल के ऊपर ही इन्होंने ये स्टील के गाटर लगाए हैं दोस्तों, और गाटर की मदद से ही स्टील के गाटर द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है दोस्तों बायोडाट को। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि इसके ऊपर से ही जा रहा है, ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है यहाँ से और फिर ये लेफ्ट में हो जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं, देख सकते हो ये कैनाल जा रही है, ये देखो ये मेरठ से ही आ रही है कैनाल, और फिर उसके बाद में इस पर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। देखो यहाँ से ये कर्व ले लिया ना इसने राइट में को, फिर ये बायोडक्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारा है, तो आप लोग बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। देख सकते हो तस्वीरें दोस्तों, ये है EDFC जो कि लुधियाना से आके और ये दादरी में जाकर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि डबल डेकल मालगाड़ी दौड़ेगी, एक तरफ 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, दूसरी 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। एक मतलब कि ये दृश्य ही क्या सुंदर होने वाला है दोस्तों, कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और दोनों भारत सरकार की नई योजनाएँ हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बार डबल डेकर मालगाड़ी चलाई जा रही है दोस्तों, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी में डिपो है, कंटेनर डिपो, उसमें जाके ख़त्म हो जाएगी, और ये दोस्तों लुधियाना से आ रही है गाइस, तस्वीरें देख सकते हो। और ये गगनचुंबी पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, इनकी हाइट ज़्यादा देखने के लिए इसलिए मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये एक तो EDFC को क्रॉस कर रहा है, दूसरे बात स्टेशन भी इतना ही ऊंचा है दोस्तों, इसी वजह से ये पिलर की हाइट आप सभी को ऊंचाई ही देखने के लिए मिलेगी, सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये डबल लाइन स्टार्ट हो जाती, यानी कि डबल लाइन तो यही है इन और आउट दोनों, देख सकते हो यहाँ पर डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से चौड़ाई और ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग कि ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है दोस्तों, आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि और यहीं से आपको बता दूं दोस्तों कि मेरठ मेट्रो भी यहीं से चलेगी, तो मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर दो दो लाइन देखने के लिए मिलेंगी, एक तो रैपिड रेल दौड़ेगी ही दौड़ेगी, दूसरी ये मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है L&T, और L&T ही द्वारा इस मेरठ साउथ के स्टेशन को बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि मेरठ मेट्रो के लिए भी और रैपिड रेल के लिए भी इस स्टेशन को बनाया गया है, बहुत लंबा चौड़ा ये स्टेशन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जिस पर कॉन्कोर्स लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन का सामान बनाया जा रहा है, सामान रखा हुआ है दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सीलेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार पांच मेरठ साउथ का RRTS का स्टेशन कॉन्कोर्स लेवल पर देख सकते हो, ये पेंट का काम किया जा रहा है दोस्तों, और जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसको बनाया जा रहा है। अभी तस्वीर आप लोग ये देखो, देखो किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों,
जो कि प्लेटफॉर्म लेवल है, और उधर देख सकते हो वो स्टेयर बनाई जा रही है उस साइड में, ठीक है। और ये एक्सीलेटर हैं दोस्तों, ये रखे हुए हैं देखो, ये सारे एक्सीलेटर हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर लगाए जाएंगे गाइस। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि इस पर 4 एंट्री एग्जिट होने वाले हैं, 2 इस साइड में 2 उस साइड में, तो इसीलिए ये इतने सारे एक्सीलेटर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे नीचे से। देखो आप लोग किस तरीके से ये स्टेशन को बनाया जा रहा है, और सारे पर ही अभी सेटरिंग का काम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेवल पर ही इस पर वर्क अभी चल रहा है दोस्तों। और कौन से लेवल तो हो गया है कंप्लीट, उस पर पटाई का काम किया जा रहा है और पत्थर भी लगाया जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो देखा आप सभी ने कि मेरे साउथ के स्टेशन पर किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, तेजी साथ में ये एक्सीलेटर रखे हुए हैं, प्लेटफॉर्म लेवल को प्लेटफॉर्म लेवल पर काम किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइडों में ये एक्सीलेटर ही आप लोगों को नजर आएंगे दोस्तों। और जैसे तो देखा आप लोगों ने मेरठ साउथ का स्टेशन किस तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों, और ये जा रहा है मेरठ के लिए। देखो इस पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है दोस्तों, आगे फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, कि आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिया जा चुका है इन पिलरों के ऊपर दोस्तों। और देख सकते हो ये यहाँ पर फ्लोरिंग का वर्क चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो किस तरीके से ये फ्लोरिंग की जा रही है। और ये बढ़ रहे हैं हम आगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी ये लाइन क्रॉस करेगी दोस्तों, रैपिड रेल। देख सकते हो यहाँ पर ये सारे आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिए जा चुके हैं, और इन पर आज फ्लोरिंग का काम ही किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर डबल पिलर इसीलिए देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर 4-4, 5-5 आप लोगों को ये एक तो मेरठ मेट्रो देखने के लिए मिलेगी, दूसरी बात इसमें रैपिड रेल भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि सबसे लंबा चौड़ा स्टेशन है ये मेरठ साउथ का दोस्तों, आप लोगों को बता दूं। आप लोग खुद ही देखो अपनी आंखों से किस तरीके से बनाया है इस स्टेशन को, किस तरीके से ये लाइन को कवर किया है इन्होंने भाई साहब। लॉन्चर ही आगे देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को, कि लॉन्चर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं दोस्तों। और ये आ जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसके ये देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ये स्टील के आई गटर दोस्तों आगे रखे जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चल के आगे। देखो यहाँ पर भी आई गटर लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि स्टील के आई गटर द्वारा इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च कराया गया है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। एक लॉन्चर देखो ये लगा हुआ है, एक लॉन्चर ये रहा, और दूसरा लॉन्चर वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करवाया जाएगा यहीं पर। ये आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये आई गटर लॉन्च किए जाएंगे इसी पिलर पे, तो इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये लॉन्च है, यहाँ पर ये लॉन्चर लगा हुआ, वहाँ पर देखो इसने इस लॉन्चर ने 4 पिलर को कनेक्ट भी कर दिया दोस्तों। और ये यहाँ इंटरचेंज है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का दोस्तों, और यहाँ से ये मतलब ग्राउंड लेवल पर आ जाता है दोस्तों, यानी कि मुजफ्फरनगर के लिए चला जाएगा सीधा सीधा। और हमें मेरठ सिटी में जाना है तो अंदर इसके कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। देखो वो वहाँ पर अंडरपास चमक रहा है, वो मेरठ सिटी के अंदर जाने के लिए है दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हैं आप सभी को ये वीडियो दोस्तों, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन हो तो प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई